वीडियो में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पहले चैप्टर प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो प्राचीन यूनान का या यूनान का फर्स्ट फिलोसोफर कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने पहली बार लॉजिक के आधार पर, तर्कशास्त्र के आधार पर, दर्शन शास्त्र के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या करी है। प्लेटो का जन्म 428 BC यानी ईसा पूर्व यूनान के एक एथेंस नगर में हुआ। एथेंस नगर में एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ। प्लेटो खुद भी एक दार्शनिक राजा बनना चाहते थे। इस दार्शनिक राजा बनने के वजह से ही प्लेटो का सारा दर्शन जो है वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के रूप में बनाया गया है। प्लेटो से पहले यूनान में 30 आतताइयों का शासन था, और इन 30 आतताइयों के साथ साथ वहाँ जो विचारक थे उनको हम सोफिस्ट कहते हैं। सोफिस्ट का मीनिंग होता है पेड टीचर, अर्थात वहाँ के राजाओं को राजनीति के बारे में समझाने की जो कला जिनके पास थी वो सोफिस्ट थे। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ये एक गुरु शिष्य परंपरा है। इसको हम एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं, जैसे कि इसका मतलब हो गया सोक्रेटिस यानी सुकरात, पी फॉर प्लेटो, ए फॉर अरिस्टोटल यानी अरस्तु। अब इस गुरु शिष्य परंपरा को प्लेटो के गुरु हो गए सुकरात और अरस्तु के गुरु हो गए प्लेटो, लेकिन इन तीनों के ही दर्शन में काफ़ी कुछ अंतर हमें देखने को नज़र आता है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है प्लेटो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस नगर में 428 BC में हुआ। इनका जो मेथड था वो संवाद शैली है, जैसा कि सुकरात का भी संवाद शैली वाला हम देखते हैं। इसके अंदर किसी बात का पता लगाने के लिए, क्या बात ठीक है या गलत है, सत्य है या नहीं है, इसके मध्य हमें दो चीज़ों का अध्ययन करना होगा, सत्य और मत। जैसे कि हम यूँ कहें कि सत्य और मत में क्या अंतर होता है। मत विभिन्न व्यक्तियों का अपना विचार हो सकता है, लेकिन इन मतों के आधार पर ही हम सत्य की खोज कर सकते हैं, ऐसा सुकरात ने बताया। इन्हीं विचारों को प्लेटो ने आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शन की बात करी है। प्लेटो की प्रमुख रचनाओं में हम, जैसे कि इसके वैसे तो 36 से 38 इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन प्रमाणिक ग्रंथों में 28 ग्रंथों के बारे में बताया जाता है। इनमें, इन 28 में से भी रिपब्लिक, डेलोज, स्टेट्समैन्स, अपोलॉजी ये प्रमुख रचनाएं हैं। रिपब्लिक प्लेटो की सबसे बेस्ट बुक हैं, डेलोज एंड द स्टेट्समैन, ये प्लेटो की प्रमुख रचनाओं में से आती हैं। आपके एग्ज़ाम में ये भी सवाल आ सकता है कि प्लेटो के द्वारा रचित दो पुस्तकों के नाम बताइए। आप कह सकते हैं कि रिपब्लिक है, द लॉज है, द स्टेट्समैन है। अब चूंकि प्लेटो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। आदर्श राज्य का मतलब होता है अपने आप में एक आइडल स्टेट, और आइडल स्टेट का मतलब यह हुआ कि 100% परफेक्शन होना चाहिए वहाँ। प्लेटो इस 100% परफेक्शन को पाने के लिए एक आइडल स्टेट यानी आदर्श राज्य की बात करना चाहते हैं। इस आदर्श राज्य को पाने के लिए प्लेटो ने कुछ साधनों के बारे में बताया है। आदर्श राज्य में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट का मतलब होगा 100% बातें ठीक होनी चाहिए। इस आदर्श राज्य को पाने के लिए प्लेटो ने कुछ साधनों के बारे में बताया। उन साधनों को हम सकारात्मक और नकारात्मक दो दृष्टियों से
देख सकते हैं। जैसे कि मान लो शिक्षा योजना है प्लेटो का, शिक्षा योजना ये प्लेटो की एक पॉजिटिव, दूसरी बात है न्याय सिद्धांत, ये भी प्लेटो का एक पॉजिटिव सिद्धांत है जिसके माध्यम से वो आगे चल करके आइडियल स्टेट की स्थापना करना चाहते हैं। इसके नेगेटिव में अगर हमें देखा जाए, नेगेटिव अगर के थ्योरी प्लेटो की आदर्श राज्य की स्थापना में अगर है तो वो है साम्यवाद। अर्थात इस साम्यवाद भी प्लेटो का दो तरह का है। पहला साम्यवाद जो है वो संपत्ति से संबंधित है, यहाँ अपन यूँ कर सकते हैं साम्यवाद, जो कि प्लेटो का एक नकारात्मक सिद्धांत है। इस साम्यवाद में पहला है परिवार का साम्यवाद और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद। कुल मिला के इनमें इनका त्याग करना होता है, त्याग करना होता है ताकि दार्शनिक राजा अपने राजकाज के कार्यों में अधिकतम समय लगा सके। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी है। अध्ययन पद्धति में प्लेटो की जो है वो है निगमनात्मक। ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आ सकता है। इसको समझने के लिए आपको पीजी और यूजी, ये तो आपने समझा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। पीजी का अपोजिट हो गया जीपी, पी फॉर प्लेटो, और इसका मतलब होता है जर्नल टू पर्टिकुलर, यानी सामान्य से विशेष की ओर जो पद्धति चलती है, सामान्य से विशेष की ओर जो पद्धति चलती है उसको हम कहते हैं निगमनात्मक, जर्नल टू पर्टिकुलर। कहने का मतलब यह हुआ कि सामान्य से विशेष की ओर जो पद्धति चलती है वो निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। इसको समझने के लिए कि जीपी किसका है और पीजी किसका है, पीजी हो गया जैसे आप पीजी करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये पीजी पॉलिटिकल साइंस, यूँ मान लो या पॉलिटिकल साइंस का फादर कौन है, तो पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है, अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के फादर कहलाते हैं। इसलिए ये जो पद्धति हुई पीजी, यानी पर्टिकुलर से जनरल की तरफ हम चलते हैं तो उसको कहते हैं आगमनात्मक। ये है आपके अरस्तु की पद्धति है, अध्ययन पद्धति आगमनात्मक। इसको इससे भी आप याद कर सकते हैं, अरस्तु से ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, और इसका मतलब हुआ जर्नल टू पर्टिकुलर, जो कि प्लेटो की है। अब इसी पद्धति के माध्यम से प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए, प्लेटो का मेन जो उद्देश्य था, दर्शन का जो मेन इनका चिंतन की जो प्रमुख इकाई है वो आदर्श राज्य की स्थापना करना है। इस आदर्श राज्य की निगमनात्मक पद्धति के आधार पर कुछ साधन बताए हैं या कुछ सिद्धांत बताए हैं, जिन सिद्धांतों को हम सकारात्मक और नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। तो सकारात्मक में जैसा कि मैंने आपको बताया प्लेटो का न्याय सिद्धांत, और नकारात्मक में जैसे कि साम्यवादी सिद्धांत। ये इन सिद्धांतों का हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। सकारात्मक में जैसा कि बताया मैंने आपको न्याय और शिक्षा का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के आधार पर न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवादी, दार्शनिक राजा की परिकल्पना, इन सभी सिद्धांतों का सम्मिलित रूप प्लेटो का आदर्श राज्य कहलाएगा। और ये प्लेटो का आदर्श राज्य, उन्होंने एक ऐसा विचार, ऐसा आइडिया, ऐसा आइडियल स्थापित करने की कोशिश करी है जो कि 100% परफेक्ट हो। अब हमें प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, उसी के अंदर प्लेटो के आदर्श राज्य का पहला सिद्धांत है थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के न्याय सिद्धांत। इसको प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने से पहले हमें प्राचीन यूनान में भी पहले न्याय सिद्धांत प्रचलित थे, उन सिद्धांतों का प्लेटो ने अपनी पुस्तक सोफिस्ट में खंडन किया है। खंडन करने के बाद में तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर इन सिद्धांतों का इन्होंने खंडन किया है
और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ने से पहले प्लेटो की जो प्रसिद्ध रचना है रिपब्लिक, उस पुस्तक में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। प्लेटो की जस्टिस थ्योरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, इस पुस्तक में प्लेटो ने जस्टिस थ्योरी का नाम या जस्टिस थ्योरी का प्रतिपादन किया है। प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, इसका दूसरा या उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्लेटो की, आपके ये दो नंबर का सवाल भी आ सकता है कि प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, उसका उपशीर्षक क्या है। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कंसर्निंग जस्टिस, या प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक, उपशीर्षक है न्याय से संबंधित, न्याय से संबंधित। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपनी मैन पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित रख दिया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पहले भी यूनान के अंदर न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे। वहाँ प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पहले तीन तरह के न्याय सिद्धांत प्रचलित थे, जिसमें कि हम परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि ग्लाउकन का है, कार्य कारण सिद्धांत। ये आपके दो नंबर का सवाल आ सकता है कि प्लेटो की न्याय सिद्धांत से पहले यूनान में प्रचलित किन्हीं दो या तीन सिद्धांतों के नाम बताइए। तो परंपरागत सिद्धांत बताना है आपको, दूसरा क्रांतिकारी बताना है और तीसरा है कार्य कारण सिद्धांत। इन तीनों ही सिद्धांतों में न्याय को एक बाह्य वस्तु माना गया है। अर्थात हम न्याय का पालन इसलिए करते हैं कि अगर हम न्याय का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। अर्थात हमें डर की वजह से या शक्ति की वजह से, बल की वजह से हम न्याय का पालन करते हैं। जबकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो बाह्य वस्तु नहीं है, अर्थात डर नहीं है, भय नहीं है। प्लेटो के न्याय का पालन करने का आधार है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अंतर आत्मा की आवाज़ है। अब इस अंतर आत्मा की आवाज़ के अंतःकरण की आवाज़ है या अंतर आत्मा की आवाज़ है। प्लेटो ऐसा कहता है कि न्याय, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, आप लिख सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय एक नैतिक सिद्धांत है जो कि अंतःकरण की आवाज़ है या अंतरात्मा की आवाज़ है। इसी आधार पर प्लेटो वहाँ के समाज को तीन भागों में बांटता है, जिसमें पहला आएगा संरक्षक वर्ग। इस संरक्षक वर्ग में दो चीज़ें होती हैं, एक और दो, यहाँ लिखेंगे अपन शासक वर्ग और दूसरा लिखेंगे सैनिक वर्ग। ये भी समाज का पहला वर्ग हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा वर्ग होता है उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब हमें समझना है कि प्लेटो का जो समाज था उस ज़माने का, उस ज़माने में शासक वर्ग में प्लेटो कह रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा विवेक अर्थात बुद्धि होगी वही मेरे आदर्श राज्य का शासक बनेगा। दूसरा जो समाज का वर्ग है वो है सैनिक वर्ग। प्लेटो कह रहा है कि इस जो वर्ग है, शासक वर्ग है, इसमें साहस नामक
गुण की ज़्यादा प्रधानता होती है। तीसरा जो वर्ग है प्लेटों का वह है उत्पादक वर्ग, जिसमें कि भूख नामक जो गुण है या तृष्णा जिसको हम कहते हैं, अगर ये ज़्यादा है तो वो जिस गुण की जिस वर्ग में प्रधानता होती है वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि हम इसको दोबारा समझ सकते हैं कि प्लेटो के ज़माने का समाज को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला तो हो गया शासक वर्ग, जिसके अंदर साहस नामक गुण की प्रधानता होती है। दूसरा है सैनिक वर्ग, शासक वर्ग में विवेक नाम की गुण होता है, सैनिक वर्ग में साहस विजडम की प्रधानता होती है। और तीसरा है आपका उत्पादक वर्ग, इस उत्पादक वर्ग में भूख या तृष्णा नामक गुण की प्रधानता होती है। इसी आधार पर प्लेटो ने अपने समाज को तीन भागों में बांटा है। अब चूंकि हमारा बिंदु प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, तो सबसे पहले हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटो का न्याय है वो एक नैतिक न्याय है, और दूसरी बात है ये अंतरात्मा की आवाज़ है। प्लेटो से पहले जो मैंने आपको बताया कि तीन सिद्धांत प्रचलित थे, उन तीनों ही सिद्धांतों में, जैसा कि पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, जिसमें कि सेफालस और पॉलीमार्कस ने, जो पॉलीमार्कस है वो सेफालस का पुत्र है, तो सेफालस और उसके पुत्र ने वहाँ परंपरागत न्याय का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में सेफालस और उनके पुत्र पॉलीमार्कस के अनुसार यह है कि सत्य बोलना ही न्याय है। दो बात कही इन्होंने, पहली बात तो बोली कि सत्य बोलना ही क्या है, न्याय है, सत्य बोलना ही न्याय है, एक बात इन्होंने ये बोली है। दूसरी बात इन्होंने बोली है दूसरों का ऋण चुका देना, यानी जो हमने किसी से कोई वस्तु ली है, कोई चीज़ ली है, पैसा लिया है, उसको वापस लौटाना ही न्याय है, दूसरों का ऋण चुका देना। तो इन दोनों ही बातों का प्लेटो ने विरोध किया है, और ये कहने की कोशिश करी है कि हर बार सत्य बोलना सही नहीं हो सकता, वो अन्यायपूर्ण भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है। इसी को समझाने के प्लेटो ने एक एग्जाम्पल दिया है कि सत्य बोलना न्याय है, अच्छी बात है, लेकिन सामरिक दृष्टि से पड़ोसी देश या दुश्मन शत्रु देश को अपने देश के बारे में बताना या सत्य बोलना उस देश के साथ में वफादारी नहीं रह सकती, इसलिए वहाँ ये अन्याय का रूप धारण कर सकता है। दूसरों का ऋण चुका देना, किसी से हम कोई चीज़ उधार ले लें और उस दौरान वो व्यक्ति पागल हो जाए, मान लो कि आपने उससे गन ले ली और वापस चुकाना है 2 दिन बाद में, और इन बिटवीन 2 डेज वो पागल हो जाता है, तो क्या उस वक्त उस व्यक्ति को गन वापस देना सही रहेगा? तो वो ऐसा कहना सही नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि प्लेटो से पहले जो प्रचलित न्याय के तीन सिद्धांत थे, उन तीनों ही सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन कराया, और खंडन करा है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोफिस्ट में, और अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। उससे पहले उन्होंने समाज के तीन वर्ग बताए, और उन तीनों वर्गों में एक एक आत्मा अंतरात्मा के अनुसार गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में प्लेटो ने बताया है, जैसे कि विवेक है, साहस है, तृष्णा है, इन गुणों के आधार पर उसने समाज का वर्गीकरण करा है। तो सबसे पहली बात ये हुई, प्लेटो का न्याय अंतरात्मा की आवाज़ है, ये आत्मा के गुणों के आधार पर निर्भर करता है। दूसरी, अब हम इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं बताते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बात करें, तो पहली विशेषता तो ये हुई
कि प्लेटो का न्याय है वो एक नैतिक न्याय है। दूसरी बात है कि प्लेटो का न्याय दो तरह का है, इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार हुआ व्यक्तिक न्याय, व्यक्तिक का मतलब होता है व्यक्तिगत, और दूसरा न्याय है सामाजिक न्याय। नैतिक न्याय का मतलब यह है कि प्लेटो जिस न्याय के बारे में बात करना चाह रहा है वो प्लेटो का नैतिक है, अंतरात्मा की आवाज़ है, इसके अंदर 100% परफेक्ट होने की बात कही गई है। दूसरा न्याय की विशेषता की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का न्याय बताता है, उसमें पहला जो है वो है व्यक्तिक और दूसरा है सामाजिक। व्यक्तिक का मतलब हुआ कि समाज में तीन वर्ग होते हैं और तीन वर्गों को अपने गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए, एक दूसरे व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसमें जिस गुण की प्रधानता हो उसी प्रकार से उसको अपना जीवन यापन करना चाहिए। दूसरी बात है प्लेटो कह रहा है आगे चलकर यही व्यक्तिगत न्याय जो है वो सामाजिक न्याय में रूपांतरित हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है वो मैं यहाँ एक प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है उसके बारे में बताना चाहूँगा। प्लेटो कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही विराट रूप है, राज्य जो है वो व्यक्ति का ही विराट रूप है, अर्थात यूं कहें हम कि जो राज्य हम जो देख रहे हैं वो व्यक्तियों से ही बना है, अर्थात व्यक्ति पहले है और राज्य बाद में। कहने मतलब यह हुआ कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, तो जब समाज में व्यक्तिगत न्याय की स्थापना हो जाएगी और जब हम उसको अब्रॉड करेंगे बड़ा करेंगे तो व्यक्तियों से मिलकर क्या बन जाएगा, राज्य बन जाएगा। प्लेटो ये भी कहता है कि राज्य कोई बलूत के पेड़ से नहीं आते हैं, ये व्यक्तियों के चरित्र द्वारा या व्यक्तियों द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है। तो हमें ये कहना चाहिए कि जो व्यक्तिगत न्याय है प्लेटो का उसी का बड़ा रूप जो सामाजिक न्याय के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। तीसरी बात है कि प्लेटो का न्याय अहस्तक्षेपवादी है। अहस्तक्षेपवादी का मतलब ये हुआ कि प्लेटो के समाज में तीन वर्ग बताता है और इन तीनों वर्गों के अलग अलग कार्य के बारे में बताता है, जिसको जो कार्य दिया गया है उसी कार्य को वो आगे बढ़ाए, दूसरे कार्य में इंटरफेयर नहीं करे। तो ये इंटरफेयर नहीं करना ही अहस्तक्षेपवादी है। चौथी विशेषता प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट है उसको उसी कार्य के अंदर स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। जैसे कि शासक वर्ग है, शासक वर्ग का काम है शासन करना, और वो शासन करेगा विवेक के आधार पर या बुद्धि के आधार पर वो शासन करेगा, अर्थात शासक वर्ग को इसी कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा जो वर्ग है सैनिक वर्ग है, उसका कार्य है देश की रक्षा करना। जैसे कि सैनिक वर्ग है, सैनिक वर्ग का काम हो गया देश की रक्षा करना, तो इस रक्षा के कार्य में ही वो आगे बढ़े। तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, और ये उत्पादक वर्ग है उसका प्रमुख कार्य है भूख तृष्णा, ये इसका गुण है, लेकिन उसका काम है उत्पादन करना। तो वो देश के सैनिकों के लिए, आम जनता के लिए, खुद के लिए और शासक के लिए उत्पादन कार्य में कार्य स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, ऐसा प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहता है।